दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। हम आपके लिए लेके आए हैं केवीएस पीआरटी का आंसर की सीरीज। इसमें हम अभी बात करने वाले हैं जो केवीएस पीआरटी में सब्जेक्ट में जो 80 नंबर का आपका था, उसमें जो मैथ का पोर्शन है 20 क्वेश्चन का, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो है वो डी सीरीज का पेपर है, उसमें मैथ है 111 नंबर से। तो हम सबसे पहले चलिए 111 नंबर पे बात करते हैं। तो 111 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, अभी मैं आपको सिर्फ आंसर एंड थोड़ा सा क्वेश्चन बताता चलूँगा। आपको हमारे जो टीचर रहेंगे वो आपको डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे। 24 दिसंबर को हम एक पूरा डिटेल सॉल्यूशन के लिए डिस्कशन रखेंगे सुबह 10 बजे से। उसका शेड्यूल आपको हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आप जुड़े रहिए। तो आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन वगैरह सब मिलेगा। अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बताता चलूँगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। 111 का हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 340 गुने के बराबर है। यदि उनका एचसीएफ 26 है और एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका जो आंसर है हमारा वो है 3, यानी 520। 113 जो क्वेश्चन है हमारा, उसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 4, ठीक है? हम चलते हैं 114 क्वेश्चन पे। उसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 6345। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पी प्लस आर इजकल टू 2Q, ठीक है? जो क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है, उसका जो आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, 14400। आप वीडियो रोक के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको अभी आंसर बताता हुआ चल रहा हूँ। डिटेल सॉल्यूशन जैसे मैंने पहले बताया था, 24 दिसंबर को हमारा रहेगा, उसमें जो हमारे मैथ के टीचर हैं वो आपको बकायदा डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आपको आंसर की में कोई प्रॉब्लम लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम 24 दिसंबर को उसे सामने रखें, ठीक है? चलिए, 117 का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1:2, ठीक है? 118 का जो हमारा 118 क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 62 डिग्री। 119वां हमारा क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 60 डिग्री। इसी तरह से 120 जो हमारा क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, x²-x-1, ठीक है? 121 जो हमारा क्वेश्चन है, उसका भी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 है, 880। 122वां जो हमारा क्वेश्चन है, उसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही है, ठीक है? जो 123वां हमारा क्वेश्चन है, उसका भी आंसर हमारा 3 है, 75 दिन, ठीक है? अब हमारा 124वां क्वेश्चन है, इसका जो हमारा आंसर है वो है 1:2, ठीक है? 125वां हमारा क्वेश्चन है, रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेची जाती तो लाभ 14% का होता, यदि वह वस्तु को 2,650 रुपये पर बेचता तो लाभ का क्या प्रतिशत होता? इसमें लाभ का प्रतिशत निकालना है 125वें नंबर में, तो इसका जो आंसर वो है वो 6 है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3, 6 आंसर है इसका, 6%, ठीक है? अब 126वां जो हमारा क्वेश्चन है, उसका जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमारा वो 3 ऑप्शन होगा, 52 वर्ष। 127वां जो हमारा क्वेश्चन है, उसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा 2, 150% अधिक। 128वां जो हमारा क्वेश्चन है, उसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 45 डिग्री। 129वां जो हमारा क्वेश्चन है इसी टाइप से, उसका क्वेश्चन है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में जीवाएं ए बी तथा सी डी समांतर हैं और केंद्र के विपरीत और स्थित हैं। यदि ए बी इजकल टू 20 सेंटीमीटर, सी डी इजकल टू 48 सेंटीमीटर और जीवाओं के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में है कितना है, ये पूछ रहा है। तो 129 का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 52। 130 हमारा जो क्वेश्चन है वो है,
उसका जो आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 80 डिग्री। नहीं तो इसी तरह हमने आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो दे दी है, गई है आंसर की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो ऑप्शन में आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट की आंसर की मिल जाएगी। वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में पेपर का भी लिंक, पेपर और आंसर की का लिंक डाला हुआ है, वो आपको PDF में मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। 24 दिसंबर को हम इसका डिटेल सॉल्यूशन लेके आएंगे, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।